हाय, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे बाकी के वीडियोस भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हम ये प्रीमियर प्रो में करने जा रहे हैं, तो हमें आफ्टर इफेक्ट जैसा परफेक्शन नहीं मिलेगा, पर आपने ये करना प्रीमियर प्रो में सीख लिया तो भी बहुत बड़ी बात है। ओके, तो आप सबसे पहले इफेक्ट्स में जाना है एंड यहाँ पर सर्च करना है इनवर्ट। एंड सिंपली वीडियो पर ड्रैग करना है। तो अब इफेक्ट कंट्रोल्स में जाना है एंड यहाँ चैनल को आरजीबी से चेंज करके क्वाड्रेचर क्रोमिनेंस पर सेट करना है। तो ये हमारी पहली स्टेप हो चुकी है। अब हमें स्काई रिप्लेस करना है। तो यहाँ मैंने पहले से ही एक मिल्की वे की वीडियो डाउनलोड करके रखी है, तो सिंपली इसे मैं टाइमलाइन पर वीडियो के ऊपर ड्रैग कर लेता हूँ। तो हमें इतनी लंबी वीडियो की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे अपने वीडियो के लेंथ तक ही रखता हूँ। तो पहले इसके स्केल को बढ़ा लेना है तो अभी हमें सिंपली हमारे मेन वीडियो का डुप्लीकेट क्रिएट करके इसे वीडियो के ऊपर ड्रैग करना है। फिर इफेक्ट्स में जाना है एंड यहाँ पर सर्च करना है कीइंग। तो इनमें से आप कलर की, लूमा की या अल्ट्रा की कुछ भी यूज़ कर सकते हो, पर मैं यहाँ अल्ट्रा की ही यूज़ कर रहा हूँ। तो सिंपली अल्ट्रा की को वीडियो पर ड्रैग कर लेना है। फिर इफेक्ट कंट्रोल्स में जाना है एंड यहाँ पर ये वाले मास्किंग टूल को सिलेक्ट करना है एंड वीडियो के ऊपर वाले पार्ट को पूरा ऐसे मास्क कर लेना है। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो में जो लड़की है उसने भी वाइट पहना है, तो अल्ट्रा की यूज़ करने से लड़की के टॉप पर भी इफेक्ट हो सकता है, इसलिए हमें जितना पार्ट की आउट करना है उतना ही सिलेक्शन में लेना है। ओके, तो एक बार सिलेक्शन हो जाने के बाद इफेक्ट कंट्रोल्स पर जाना है एंड ये कलर पिकर टूल को सिलेक्ट करना है एंड स्काई कलर को चूज़ करना है। फिर इफेक्ट कंट्रोल्स में आना है एंड ये सब सेटिंग्स को एडजस्ट करके हमें जितना हो सके उतना क्लीन सिलेक्शन करना है। तो यहाँ मैटे जनरेशन में जाना है एंड ट्रांसपेरेंसी को एडजस्ट करना है। फिर शेडोज एंड हाइलाइट्स को एडजस्ट करना है फिर टॉलरेंस को बढ़ाना है एंड पेडेस्टल को भी इंक्रीज करना है। फिर उसके बाद यहाँ मैटे क्लीनअप में आना है एंड सॉफ्टन को इंक्रीज करना है एंड चोक को भी हल्का सा इंक्रीज करना है। पर आपको ये किंग वाले सेटिंग्स मेरे जगह कॉपी नहीं करनी है, आपको आपकी वीडियो के हिसाब से ये एडजस्ट करना होगा। ओके, तो आई थिंक मेरा सिलेक्शन हो चुका है। तो यहाँ मैं और एक बात क्लियर कर दूँ कि प्रीमियर प्रो में आफ्टर इफेक्ट जैसे मोशन ट्रैकिंग के ऑप्शंस नहीं है, तो यहाँ स्काई का एंड वीडियो का मोशन मैच नहीं हो सकता। तो आप बेहतर होगा कि वीडियो शूट करते समय ट्राइपॉड पर ही शूट करें ताकि वीडियो ज़्यादा स्टेबल रहे। तो इसके बाद हमें फाइनल टच के लिए कुछ ओवरलेस ऐड करने हैं। तो यहाँ मैं ये डस्ट पार्टिकल वाली वीडियो यूज़ कर रहा हूँ, ये आपको यूट्यूब पे इजीली मिल जाएगी। तो हमें इतनी लंबी वीडियो की ज़रूरत नहीं है, तो इसे मैं सिंपली कट कर देता हूँ। उसके बाद वीडियो की स्केल को इंक्रीज कर लेनी है तो
तो अब हमें सिंपली इसके ब्लेंड मोड को चेंज करके स्क्रीन कर देना है। ओके, तो अब एक फाइनल लाइट लीक वाला ओवरले ऐड करना है। ये भी आपको YouTube पे इजीली मिल जाएगा। तो ये वीडियो भी लंबी है पर इसकी स्पीड बहुत कम है, तो मैं इसे कट करने के बजाय इसकी स्पीड को बढ़ा दूंगा। तो मैं यहाँ रेड स्ट्रेच टूल को सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड सिंपली वीडियो को ऐसे पीछे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ, इससे वीडियो फास्ट हो जाएगी। तो अब मैं इसकी पहले स्केल बढ़ा लेता हूँ। फिर इसके बाद सिंपली हमें इसके ब्लेंड मोड को चेंज करके ओवरले कर लेना है एंड इसकी ओपेसिटी को कम कर लेना है। एंड इट्स फाइनली डन।